संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनके बताए मार्गों पर चलने का आह्वान किया गया। अंबेडकर पार्क में अंबेडकर युवा जन सेवा समिति द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य ने कहा कि शिक्षित बनो संघर्ष करो का नारा देने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का ये सही समय है। उन्होंने कहा कि संविधान का निर्माण करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी मार्गों का सम्मान करते हुए कानून बनाया, न कि किसी जाति धर्म को लेकर। बाबा साहब के वंशज होने के नाते आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अब बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो महापरिनिर्वाण दिवस है उसको आज हम संपूर्ण प्रदेश में मना रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने समाज के बीच में आकर के उनके साथ इस क्षणों को बांटने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज मैं देख रहा हूँ यहाँ आकर के लाल पर पहुँचे बहुत अच्छा लग रहा है। आज यहाँ के छोटे बच्चे हैं, मातृशक्ति है, मुझे आज यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की परिकल्पना के रूप में जो भारत का निर्माण हो रहा है उस निर्माण करता है उनका नाम रोशन करेंगे और इस भारतवर्ष को सच्चे हमारे सच्चे श्रद्धांजलि उस दिन होगी जिस दिन हम डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में भारत के स्वर्ण इस भारत को स्वर्णिम भारत बना देंगे। हम सभी का सबसे पहले फर्ज बनता है कि हमारे जो हमारे समाज के लिए है और विश्वस्ता एक महिला होने के नाते समाज से भी पहले मैं ये कहूँगी कि जो महिलाओं के लिए उन्होंने किया है हमें वो सब हमेशा याद रखना चाहिए और बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सबको जो एक लेके चलते हैं और उन्होंने एक संविधान ऐसा बनाया जो हमारे पूरे देश को एकजुट होकर आज रखा हुआ है उस संविधान ने, हमें उसकी रक्षा करनी है। जब जब उस संविधान पर जिनके एक सोच है कि उस संविधान को बदलने की सोच है, उस संविधान पर प्रहार करने की सोच है, उनको आपके माध्यम से भी हम सब ये बोलना चाहते हैं कि वो संविधान की रक्षा हम लोग कर रहे हैं और जब तक हम लोग हैं उस संविधान की रक्षा हम लोग करते रहेंगे और कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो संविधान को और बाबा साहब की विचारधारा को बदल सकती है। आज 6 दिसंबर को और इस दिवस का अवसर पूरी आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे जीवन में किस तरीके से एक उन्होंने एक ठोस संविधान लिखकर के हमारे लिए दिया और हमें कुचले और वंचित लोगों के लिए जो समाज कारक के रूप में जो उन्होंने कार्य किए वो कभी भूल नहीं सकते हैं और हमें हमेशा याद रखते हैं और हम लोग इसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती हो चाहे 14 अप्रैल को चाहे 26 नवंबर को हम उनका जो संविधान दिवस के रूप में और जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी और जैसे आज लगातार हर ये नेशनल वाले कार्यक्रम में हम याद करते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।